अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दरवेश खान चैनल बिहाइंड द ट्रूथ और फुटबॉल वर्ल्ड कप का कवरेज का जो हमारा एक सेगमेंट चल रहा है जी, फुटबॉल फास्ट फॉरवर्ड, और उसमें एक इस्लामिक टच जी। अभी तक कुदरत का निजाम कल मोराको की शानदार फतह के साथ खत्म हुआ सुपर 16 मामला, जिस तरीके से वो प्लेंटी शूट्स ऑफ पे गया है सारा और जिस तरीके से जीता है मोराकश ने, तो एक बहुत ही जबरदस्त माहौल बन गया है जो अभी तक चल ही चला रहा है। इस्लामिक टच जो है वो बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ और मैं कहूँगा कि बैड लक थी स्पेन की, काफ़ी बॉल जा के लग के उनके पोज से लग के आती रही, वो गोल नहीं कर पाए। लेकिन जो एक हैरत अंगेज चीज, जब वो प्लेंटी किक्स के ऊपर मामला गया और तो तीनों जो उनके जो कीपर हैं यानी कि यासीन बोनो, उन्होंने जिस तरीके से चीते की तरह फुर्ती से तीनों को बढ़ रहे हैं, उन्होंने प्लेंटी किक्स वो लाजवाब देखने तालुक रखते थे। और अशरफ हकीमी जो उन्होंने आखिरी प्लेंटी किक्स पे गोल किया, वो भी मैड्रिड में पैदा हुआ थे, स्पेनिश है। ये सिलसिला चल ही रहा है उनके चार खिलाड़ी का, सर जो बेल्जियम को मैच हराया था मोराको ने, वो भी बड़ा जोर था लीग के अंदर अपने ग्रुप स्टेज में, तो उसमें भी चार खिलाड़ी बेल्जियम में ही पैदा हुए थे। तो ये सिलसिला मुसलसल चला ही चला जा रहा है। और दूसरी तरफ पुर्तगाल ने भी जो है वो कल स्विट्जरलैंड को 6-1 से हरा दिया, हालांकि कल रोनाल्डो नहीं खेल रहा था उसके बावजूद, मतलब रोनाल्डो खेल रहा होता तो फिर से कि मामला कहाँ आया था, शायद वो 10-0 से जीत जाते, 10-1 से जीत जाते। बहरहाल अब यह है कि मोराको का मुकाबला जो है वो, क्योंकि सुपर 16 का जो है वो ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका है और सारी फिल्में जो है क्वार्टर फाइनल पहुंच गई 8 टीमें, तो उसमें मेन जो है अब मोराको का मुकाबला जो है वो पुर्तगाल से होगा और इंग्लैंड जो है वो फ्रांस के अगेंस्ट करेगा। ये फ्राइडे और सैटरडे को मैचेस होंगे और फ्रांस जो है क्रोशिया से करेगा गालिबन, और अर्जेंटीना का हॉलैंड से और ब्राज़ील का क्रोशिया के साथ। दूसरी तरफ कुछ मैचेस में जापान और जो साउथ एशियन टीमें थी जैसे जापान और साउथ कोरिया, वो भी आ गई। जापान का काफ़ी अच्छा मैच हुआ लेकिन भी बैड लग रही और वो क्रोशिया से मैच हार गए पेंटी किक्स पे। उसके बाद साउथ कोरिया जो ब्राज़ील ने हरा दिया 4-1 से, एक अच्छा गोल किया साउथ कोरिया ने, लेकिन वो इनफ नहीं था जीतने के लिए कि वो अगले राउंड में क्वालिफाई करते क्वार्टर फाइनल के लिए। तो बहरहाल ये बहुत जबरदस्त चीज़ है कि जो अफ्रीकन टीमें और जो एशियन टीमें वो काफ़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी अभी तक, तो मोराको की जो परफॉर्मेंस है ये बहुत जबरदस्त, इस तरह से उन्होंने एक यूनिटी के साथ खेला और जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया उनकी कंट्री ने, वो भी देखने से ताल्लुक रखता था कि किस तरीके से अब अफ्रीकन और जो एशियन टीमें जितनी तरीके से आगे आ रही हैं, जिस तरीके से एंथुसियाज्म के साथ वो खेल रही हैं, तो कुछ वही नहीं है कि अगले आने वाले कुछ सालों में या कुछ वर्ल्ड कप में नेक्स्ट वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगी और जो है आगे काफ़ी जो यूरोपियन टीमों की एक जो बालादस्ती है या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जो रीजन की बालादस्ती है, अर्जेंटीना वर्सेस या ब्राज़ील और मैक्सिको, इनको काफ़ी टफ टाइम देंगी और हो सकता है शायद कोई वर्ल्ड कप भी जीतने में कामयाब हो जाए जिस तरह से मोराको की टीम जीती। और फरते जज्बात में जो देखे वो खिलाड़ी जो है उनके जो तमाशाई थे मोरक्कन, वो रोने लग गए ग्राउंड के अंदर ही, जो ज़्यादातर बुजुर्ग अफराद थे, ज़्यादातर बच्चे भी कुछ रो रहे थे स्पेन की तरफ से। तो बड़ा जबरदस्त एक माहौल बना हुआ है सारी चीज़ों का, जिस तरीके से मैचेज हो रहे हैं और कुदरत का निज़ाम चले जा रहे हैं और अपसेट हुए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही मुनफरद और यादगार वर्ल्ड कप बन गया। हालांकि जितनी क्रिटिज्म हुई थी शुरू में कतर के ऊपर, तो वो सारी चीजें जो है ऐसा सा पसे पर्दा चल गई है बिहाइंड द सीन, और ये चीजें वो, लेकिन बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल चीजें भी हुई हैं वीआर के हवाले से और दूसरी चीजों को लेके, लेकिन देखिए अभी ये बिल्कुल अब ग्रुप स्टेज फाइनल स्टेज पे जा चुका है, प्री क्वार्टर फाइनल फिर सेमीफाइनल है उसके बाद फिर फाइनल, देखें वर्ल्ड कप का स्टार्ट जो है किसके सर पे दस्ता है। तो ये है कि अब हमारे अब चैनल के साथ जुड़े ना हमारे फुटबॉल फास्ट फॉरवर्ड का जो सिलसिला है इसके साथ, उसको इसकी कवरेज देखते हैं हमारे व्लॉग्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब जैसे ही हमारे रिजल्ट्स आएंगे मतलब प्री क्वार्टर फाइनल्स के, तो उसके भी फिर हम व्लॉग्स बना के आपको उस पर तबसरा करेंगे कि किस कौन सी टीम की कैसी परफॉर्मेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, दरवेश खान फुटबॉल फास्ट फॉरवर्ड बिहाइंड द ट्रूथ, हाफिज़।